शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नचा नचा के ये डांस शो भी बीच में निकाल रहे हैं। खैर, वेलकम टू भारती का शो। आना ही पड़ेगा। बात करते हैं आज टेक्नोलॉजी की। तो आजकल बाइकें इतनी नई नई टेक्नोलॉजी वाली आ रही हैं कि बंदा जो चला रहा होता है वो नीचे होता है, पीछे जो बैठा होता है ना वो ऊपर होता है। ऐसे लग ही नहीं रहा होता कि कोई बाइक पे जा रहा, ऐसे लगता है कि विक्रम और बेताल जा रहे हैं। और पुराने स्कूटर देख लो, जिनको इतना मारना पड़ता था फिर स्टार्ट होते थे। बचपन से लेकर जब तक बेटे की शादी ना हो ना, उसको आगे खड़े करके लेके जाते थे। पुलिस भी हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगी है। आजकल तो मशीनें आ गई है भाई, गाड़ी रोको, पाइप मुंह में डालो, मशीन बता देती है हाँ कितनी बोतल पी है। पहले कुछ होता ही नहीं था, हवलदार मुँह सूंघना पड़ता, ए काय झाला मुँह सूंघाओ। इतना मुंह सूंघता था कि उसको खुद चार बोतल का नशा हो जाता था। घर जाते वक्त वो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ा जाता था। आपको पता है टेक्नोलॉजी की वजह से ना परवरिश में भी बहुत फर्क पड़ा है। आजकल के माँ बाप छत में बच्चों को खड़े होते हैं लेकर और कहते हैं बेटा सी जुपिटर मार्स विनस, ऐसे बताते। पहले के माँ बाप चार पाइयाँ लेके बच्चों के साथ छत पे लेटते थे और बोलते थे वो देखो बेटा नानी, वो दादी, वो जो कम जल रहा है वो चाचा, वो जो ज़्यादा जल रही है वो बुआ। आजकल मेडिकल ने भी बहुत तरक्की की है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई ना भैया, हर चीज़ ट्रांसप्लांट हो सकती है, चाहे वो गुर्दा हो, फेफड़ा हो, आँखें हो, कान हो, जुबान हो, सब कुछ ट्रांसप्लांट हो सकता है। पहले के ऐसा होता था कि लोग वैष्णो देवी भी जाते थे ना तो घर में बता के जाते थे मम्मी फ्रिज के नीचे 1,500 पड़ा है, क्या पता वापस आऊँ ना आऊँ। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है ना, मुझे लग रहा बहुत जल्दी ना टेक्निकल कमोड भी आ जाएंगे। इतना आरामदायक कि जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बैठते ही धुदुम धा प्रेशर आ जाएगा। क्या टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है लेकिन एजुकेशन में तो उसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमको पढ़ा पीछे कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि मार्टिन लूथर की 16वीं बीवी का नाम बताओ। भाई हमको अपने बाप की पहली बीवी का नाम नहीं याद होता, अब मेरा ही देख लो। जैसे मैंने 4थी पास की ना, मुझे 5वीं में फेल कर दिया। मैंने बोला ये क्या किया? कहते 5वीं पास करके क्या प्रिंसिपल से आगे जाएगी। 5वीं फेल से मुझे याद आया, बताऊं आपको कि आज के हमारे गेस्ट कौन है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कौन आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए क्या है, जिन्होंने हाथ पकड़ के मुझे कॉमेडी की ABCD सिखाई। जी हाँ, अगर वो ना होते तो मैं लाफ्टर क्वीन ना होती। मुझे लगता है मैंने जितना भी कमाया है ना उसका आधा हिस्सा उनको देना चाहिए। सो बुला ले उनको, प्लीज वेलकम मिस्टर सुदेश लहरी। स्ट्रेस बस्टर बनके टेंशन की बाट लगाई है, भारती जी देखो अपना शो लेके आई है। बस बस, पता है बंदे को डांस नहीं आता फिर भी नचाई जा रहे हो, नहीं नहीं मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगे कि जैसे मैं पैसे लेके आया। आइए ना सर बैठिए। मेरा मूड बड़ा खराब है, मेरे को बुलाना नहीं। बस तू मेरे साथ धोखा किया तूने सर। तूने मेरे को बोला कि शो है मेरा आज, सर आप मेरे गुरु हैं, आज बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेना। मैंने सोचा भी चलो 7 लाख नहीं 5 दे देगी, 6 दे देगी, 1 दे, और मेरे को थोड़ी सी एडजस्टमेंट यहाँ आके बोलती है फ्री का शो है।
सुनो एडजस्टमेंट, मैंने ये कहा था कि वो खाना भी अपना लेकर आना, उसमें भी एडजस्टमेंट कर लेना। अब खाना भी नहीं मिलेगा? नहीं सर। अरे भाभी। सर कैसे हैं आप? कैसे हैं अब? भूखे प्यासे, ना कुछ चाय ना पानी ना पैसे, फिर भी एक्टिंग करो। अब ये अच्छे से लगा लेना, अभी मैं मूड बना रहा हूँ। और सुदेश जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आगे। मुझे पता है आप मेरे शो में आने के लिए बहुत बेकरार थे ना। अरे बहुत ही अच्छा लगा मुझे। गिर गिर के आए सर, ये देखिए घुटने भी छिलवा लिए। अरे नहीं नहीं, ये तो बस अभी थोड़े से पैसे वैसे आए हैं, थोड़ा दिखाना पड़ता है ना कि अमीर हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेट है और मुझे बहुत खुशी है दिल से कि तुम्हारा शो है और आज मैं तुम्हारे शो पे आया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू सो मच मुझे लाफ्टर क्वीन बनाने के लिए। मुझे आज भी याद है कॉलेज में मैं गार्डन में एक लड़कियों के साथ बहुत चिल्ला रही थी, मस्ती कर रही थी और आपने देखा और किसी को भेजा कि उस लड़की को बुला के लाओ। आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम देखा तो मैं आपको कैसी लगी? सच्चाई तो ये है कि फर्स्ट टाइम सबके सामने बोलना पड़ रहा है, मुझे पहली बार तो मुझे बड़ी हॉट लगी थी। थैंक यू। और मैं मतलब बता नहीं सकता, उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हें बुखार है। डॉक्टर आया, दवाई दी, फिर तो ठीक हुई। लेकिन बहुत अच्छी टैलेंट। और लेकिन मैं आपको ये भी सबको बताना चाहता हूँ सुनने वालों, अगर मुझे पता होता कि इसका लेवल ये बन जाएगा, मैं जरा भी इसको मुंह नहीं लगाता, जरा भी नहीं सिखाता। अगर मेरा जरा सा भी योगदान है इसको सिखाने में, तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, सारे शो ये कर रहे, हम घर पे बैठे हुए क्या है? अरे सर, अच्छा सर एक बात बताइए, आप दिन पर दिन यंग होते जा रहे हैं, ये क्या राज है? मतलब डाइट वाइट चालू है पूरी? नहीं नहीं, डाइट के लिए तो मैंने अपने मैनेजर को रखा है शेखर को, वो डाइट भी करता है, जिम भी जाता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कई बार तो इतना जिम कर लेता है वो, मैं थक जाता हूँ घर बैठा। एक बात बताओ सर, कि अगर आप कॉमेडियन ना होते तो आज मिस्टर सुदेश लहरी क्या होते? अगर मैं कॉमेडियन नहीं होता तो मैं हर्ष होता, ताकि खुद ही लिखता, खुद ही बनाता, खुद ही तुम जैसी से शादी कर लेता और फ्री का खाता, और क्या। क्या सच बात कही सर आपने। अरे याद आया हर्ष से कि तेरा पति गुजराती है ना? हाँ, आपको हाँ, कैसे पता सर? हाँ, उनको चाइना का माल बड़ा पसंद है। सर आप फ्री आए हो, आप बार बार बेइज्जती करी जा रहे हो सर। फ्री आया हूँ तभी तो कर रहा हूँ, पैसे देती तो नहीं करता। अच्छा आपने ज्यादा फिल्में की है कृष्णा ने? सबको पता है कृष्णा ने ज्यादा की हैं, लेकिन मैंने वो की हैं जो हिट हों, मतलब लोग देखें। सर कभी ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे आप लोग जाते हो, भीड़ आपकी तरफ ज्यादा आ जाती है, कृष्णा के पास दो तीन ही लोग होते हैं, फिर आप थोड़ा आपका ऊँ कैसा होता नहीं, है? नहीं नहीं, ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ कृष्णा के बाद में बताता हूँ। बैंकॉक में हम शूटिंग कर रहे थे रेडी मूवी की सलमान भाई के साथ, तो आप यकीन करिए कि उतनी लड़कियां सलमान भाई के पास नहीं आती थी ऑटोग्राफ के लिए जितनी मेरे पास आती थी। सारी लड़कियां मेरे पास, सुदेश जी ऑटोग्राफ दिलवा दो सलमान से, ऑटोग्राफ दिलवा दो सलमान से, ऐसे हाल था मेरा। अच्छा अच्छा। तो कृष्णा के साथ भी सेम ही है। अच्छा, आपको कृष्णा की कौन सी बात पे सुदेश जी बड़ा गुस्सा आता है? जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं शो के लिए, तो जब कोई लड़कियां आती हैं मतलब ऑटोग्राफ लेने, तो वहीं खड़ा रहता है। जैसे लड़कियां आई उधर से, कृष्णा का ये हाल है कि उधर से लड़कियां आई, हेलो कैसी आप? अरे बढ़िया। अरे फोटो उसके मोबाइल से नहीं करता, अपने मोबाइल से कर लेगा, आपका व्हाट्सएप पर मैं आपको भेज दूंगा ताकि उसका नंबर आ जाए, कितना चलाक है। जब उधर से कोई बुजुर्ग आ गए, सुदेश लहरी साहब से मिलिए, सुदेश लहरी साहब से मिलिए, मेरे को बहुत गुस्सा आता है उस वक्त। सर आपके पास लड़की आती फोटो खिंचवा रही आंटियां? मेरे पास क्या बताऊं, वैसे तो कोई आता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं मुंबई में एयरपोर्ट पे था, एक लड़का लड़की आए उधर से, चूड़ा पहना हुआ, हाय सर प्लीज एक फोटो। मैं क्या, हाँ हाँ, कहती ये लो हमारी खींच दो। उनको कोई मिल रहा था मेरे को फोटो खिंचवाने लिए, तो फिर मेरे को कभी कभी ऐसा ऐसा बड़ा दुख होता है। लेकिन कभी बड़ा दुख आ जाए तो सारे दुख भूल जाते हैं, जैसे तुम्हारा फोन आया, प्रोग्राम है, पेमेंट नहीं मिली, नुकसान, तो सारे दुख भूल चुके मुझे। जब आप कॉमेडियन नहीं थे तो क्या काम करते थे तब आप? तब मैं गोल्ड का काम करता था, जेवर बनाता था, लेकिन अंदर एक शौक था कि सिंगर बनूं। तो मैं तो सिंगर अंदर की कॉमेडी कहाँ निकालते थे आप? कहाँ निकालनी है, कहाँ ना, दो बच्चे हैं मेरे और कहाँ कॉमेडी निकालने, बच्चे बड़ा हंसाते हैं, सारी कॉमेडी वहीं निकलती। सुदेश जी हमने ये भी सुना है कि उन दिनों में जब पैसा नहीं होता था तब आपका बेटा बहुत बीमार था, घर की कोई ऐसी चीज बेच के आप उसकी दवाई लेकर आए थे?
अभी आपने दुखती नब्ज पे हाथ रखा है। सच्चाई ये है कि हमने क्या भारती ने भी बहुत गरीबी देखी है, बहुत दुख सहे हैं, तो बहुत दुखी थे हम, पैसे नहीं होते थे, तो बच्चा बीमार हो गया तो मैंने अपनी घड़ी बेच के अच्छा दवाई ली थी, तो ऐसा एक सीन हुआ था। फिर एक बार ये हो गया कि पैसे नहीं थे तो लोग पंजाब में क्या करते हैं, अवार्ड बड़े देते हैं कि हर बात पे अवार्ड दे, पेमेंट देते नहीं थे उस वक्त, तो अवार्ड बहुत सारे हो गए थे। घर पे राशन नहीं था, आटा लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो किसी ने मुझे बोला कि आपको सम्मानित करना है, तो मैंने कहा कितने पैसे दोगे, कहते अवार्ड देना है, मैं कह अवार्ड कितने का होगा कम से कम, कहते 300-400 का, मैं कह आप 300-400 रुपया मुझे दे दो। मैंने एक अवार्ड लिया, उसको पैक किया, उनको दिया कि यही स्टेज पे दे देना मुझे। तो ऐसे सीन भी हमारे साथ हुए हैं। क्या बात है, सब कहते हैं कि जो मस्करा होता है वो सबसे ज्यादा अंदर से दुखी होता है। हम सब ने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि कभी आपको बताएंगे तो आप सब रोने लग जाएंगे। सुदेश जी, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ पहले से कृष्णा और आपकी बीवी बैठे हैं, एक ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल में दो स्ट्रो डाल के इसे पी रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जाते कृष्णा को दो चमाटे लगाएंगे? ना ना, वो मुझे रूम में भी दोनों मिल जाएं तो मुझे अपनी बीवी पे विश्वास है। सीधी बात है, और क्या, कृष्णा को मार दूंगा। अच्छा सुदेश जी, कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे घर में शरारते कर रहे हो, आपने पूरा डांटा होकर मनी चुप शिखा मैं मारागा, और बच्चे हंसने लगे डैडी ना यार घर पे तो कॉमेडी ना करो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे ऐसे बदतमीज नहीं है कि मैं उनको बोलूंगा मैं मारूंगा और मुझे बोलेंगे डैडी ऐसे, वो पहले मार देते मेरे को। अच्छा, बड़ी कृपा है। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी ऐसा हुआ घर में गेस्ट आए हो बड़े बड़े और आपकी वाइफ ने आपकी ही बेइज्जती कर दी? ये तो ऐसे ही है, ये तो पुराना बासी भी खा लेते हैं, कभी हुआ? नहीं नहीं, ऐसा है कि मेरी वाइफ जो है बिल्लो, सबको पता है कि मैं बिल्लो बन के आता हूँ, मेरी जितनी भी चीजें हैं मैं उसी से सीखता हूँ। अच्छा, वो नेचुरल कॉमेडियन है। कैसे? एक बार किसी का फोन आया सुबह सुबह कि 6 बजे लहरी साहब भूचाल आना है। अच्छा। भूकंप आना है। मैंने उसको उठाया कि भूकंप आना बिल्लो, तो कहती तो फिर पड़ोसियों को उठा दूं, अपनी सहेलियों को, उसने सबको उठा दिया, बाहर खड़े हुए खुली ग्राउंड में 5:45 बजे, तो डर रही है। मैं क्या प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना ये कर रही हूँ कि भूकंप आ जाए, नहीं तो मेरी बेइज्जती बड़ी होनी, सबको उठा दिया मैंने। कितनी बोली है वो। कभी आपकी वाइफ ने ऐसा बोला कि आप भी उधर कृष्णा से इतने थप्पड़ खाते हो तो एक आधा हमसे भी खा लो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, थप्पड़ जो उससे खाता हूँ कृष्णा से मुझे दर्द नहीं होती। हाँ। क्योंकि प्रैक्टिस मुझे घर से ही है। अच्छा। अच्छा। हमने सुना सर आपकी बेटी गाती है। बहुत अच्छा गाती है शिखा, अभी एक बहुत बड़े शो में गई थी, सिंगिंग के शो में कंपटीशन में, और भगवान की कृपा पहले नंबर पे आई है। क्या? बाहर पहले नंबर पे बाहर आ गई, उसको पता था कि आगे जाना ही नहीं तो बेइज्जती क्यों कराए। लेकिन उसका ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि टीवी पे उसने मेरी बेइज्जती नहीं कराई, कि टीवी पे निकाला हो, वहाँ ऑडिशन नहीं होते, वहीं पे आ गई वापस। ये प्यार रहा। आई लव यू शिखा। ये तो चलो मस्ती है, शिखा वाकई बहुत अच्छा गाती है। और सुदेश जी, हमने बहुत सारी फोटो देखी है आपकी, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो होती है, ये आपकी है या रेंट पे ला के फोटो खींच के वापस करते हैं? अब मैं सुदेश जी, सुदेश बैठिए ना। अच्छा, इन्हीं की है, जिस बात पे उठ जाते हैं मतलब वो इन्हीं की। इतनी गाड़ियां सर आपकी, ऐसा कैसे? बस प्यार है, लोगों का इतना प्यार मिला है, पैसा बड़ा कमाया है। मेरे को आज भी याद है कि जब मैं मुंबई में आया था तो पुराने दिन भूलते नहीं है, मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपया था। अच्छा। आज ईश्वर की कृपा से 7-8 करोड़ का कर्जा है। अच्छा। जब इतनी गाड़ियां रखी तो कर्जा तो हो गई। लोन लोन। लेकिन सुदेश जी, आपने हिट फिल्में की हैं, जैसे रेडी है, जय हो है, आपके सलमान खान के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, आप फोन वोन करते सर उनको? मैं सुबह उठ के एक फोन तो सलमान खान को करना ही करना है, जब तक ना करूं मेरे को शांति नहीं मिलती। अच्छा? हाँ, मैं सोचता हूँ कभी तो उठाएंगे। अच्छा। ना मेहनत लगे रहो, एक दिन कामयाब होगी, ऐसी बात नहीं। चलो फोन नहीं उठाते सर, आप मैसेज ही कर दिया करो। नहीं, मैसेज करता हूँ जब तो तुरंत जवाब आता है। अरे वाह, कौन है बे? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि टाइम नहीं ना उनके पास, इतने शो। अच्छा सुदेश जी, ये तो चलो बात बॉलीवुड की हुई, कभी बाहर से हॉलीवुड से फोन आया? हॉलीवुड की मुझे 2 मूवी मिली हैं, आप सबको बड़ी मुबारक। अरे बाप रे। तो बस वो समझ नहीं आती, मैंने कई बार ऐसे लगा के देखी है, इंग्लिश में होती है ना, मेरे को समझ नहीं आई, फिर मैंने फेंक दी। अच्छा। क्या हुआ? क्या बात है सुदेश जी,
सच में कॉमेडी में आप सबके बाप हो, और जितने भी हमने सुना है कॉमेडियंस जितने भी है सारे पंजाब से हैं, है ना, चाहे वो कपिल जी हो, आप हो, राजीव ठाकुर हो, मैं हूँ, ये कृष्णा बीच में कहाँ से आया, गुस्सा आता है कभी? नहीं नहीं, पहले आपने कहा कॉमेडियन, वो कॉमेडियन है भी तो नहीं ना। अच्छा, एंटरटेनर है। सर आपको पहले सिंगर बनना था ना? हाँ, मैंने पहले सिंगर ही बनना था, और सिंगिंग में बड़ी मतलब एक ना मजा आता है, और हमें कॉमेडी करने में भारतीय तो हमें पता है कितनी मुश्किल होती है, लोग हंसे ही नहीं तो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात। सिंगरों को बड़ा अच्छा लगता है, स्टेज पे जाओ पहले आंखें बंद करके शुरू होते हैं, दे रे ओ, ऐसे देख लेते हैं कि लोग बैठे कि नहीं। हाँ। अगर बैठे हैं तो खोल ले, नहीं तो दोनों बंद रखते हैं। और मैं भी एक बार स्टेज पे गया, मैंने हाँ। भी आंखें बंद की, दे रे ओ, मेरे आंखें खोल ली, सब चले गए, एक ही बंदा बैठा था। मैंने कहा सर आप मेरे संगीत के कदरदान हो, सब चले गए आप बैठे हो। कहते नहीं भैया टांगे नहीं है। तो बड़ा खराब काम है मतलब, लेकिन सिंगर ही बनना था मैंने। अच्छा आप मतलब सिंगिंग में किसके फैन हैं आप? अरे अनूप जी का, अगर अनूप जी यहाँ पे हो तो आपके लिए वो कैसे गाएंगे, क्या कहेंगे? प्लीज सर, प्लीज प्लीज। ये हो गया हमारा हारमोनियम, गरीब शो है, हारमोनियम तो है नहीं। है भारती वो जो जगे जगे शो किया करे, सुन तो ले। है भारती वो जो हर जगह शो किया करे, क्या बात है, हमें एक भी नहीं मिलता ये सौ सौ किया करे, शुक्रिया शुक्रिया। भारती मोटी ताली, भारती मोटी से आस ना रखना कोई पेमेंट की, भारती वो है जो गेस्ट से उल्टा पेमेंट लिया करे, क्या बात है, सही बोला। सुरेश जी गाने गाने पे आपने बेइज्जती कर दी, गाने गाने पे लिखा है बेइज्जती वाले का नाम। मैंने सुना कि आप अनकही बातें भी सुन लेते हैं, जैसे आप दूर खड़े होते हैं, मैं और कृष्णा बोलते हैं कि यार सुदेश जी बड़ा तंग करते हैं, तो एक दो बार आपने हमको पकड़ भी लिया। हाँ, मेरे को ना पता क्या है, जैसे को बोलते हैं ना ऐसे करके तो मेरे को पता चल जाता है इस वक्त ये क्या बोल रहा है, तो इसलिए मैं कृष्णा को सबको पकड़ लेता हूँ। पक्का? अरे आपको एक बार फिर मौका देते हैं सर, आपको एक हेडफोन देंगे, उसमें कान होंगे बड़े बड़े, ओके, तो उसमें गाने बज रहे होंगे, ओके, और मैं यहाँ से कुछ बोलूंगी, मैं देखती हूँ कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। एक साल से कोई शो नहीं मिल रहा, कैसा लग रहा है? एक साल से कोई शो नहीं मिल रहा, कैसा लग रहा है? ये नहीं है वो गाना थोड़ी है, एक दो कुछ और है। बिल्लो कैसी है सर? बिल्लो कैसी है? किलो? कितने किलो का? ये हल्का ही है, इसमें कुछ नहीं। सर बिल्लो कृष्णा के साथ भागने वाली है। क्या इतना, क्या इतने पैसे दोगे क्या? बिल्लो कृष्णा के साथ भागने वाली है। कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच भारती। हमने सुना कि आप कश्मीरा पे लाइन मारते हो। मैं तुमसे शादी करना है ना, मैरिड हूँ मैं तुमसे शादी करना है ना। सर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उठ के चला जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो सर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैं आपके साथ भाग जाऊंगी, चलो। नहीं नहीं बैठो बैठो सर, आपकी उम्र कितनी है? क्या आपकी उम्र कितनी है? बड़े हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू। बस सर खत्म। हाँ? आप मेरे शो में फ्री में आएंगे दोबारा? आप मेरे शो में फ्री में आएंगे दोबारा? फ्री में है दोबारा, फिर फ्री? ये आवाज तो मुझे अब अमृतसर में पहुंच जाएगी। सर एक बात बोलू, फ्री में चाहे मत आना, लेकिन हेडफोन एक ही है सर, बार बार वही यूज होता है, मुझे दे दो सर। ये एक ही है। अरे कभी भी बुलाओ तुम भारती, किसी को भी बुलाओगे अपने शो में हंसता हुआ भागा आएगा, तुम्हारा प्यार ही इतना है और सब तुम्हारे फैन हैं और मैं तो हूँ ही। अच्छा सर आपको ऐसा चैट शो मिले करने को तो आप करोगे? क्यों नहीं करूँगा, तो आज ही कर लेते सर। आप मेरी सीट पे आओ, मैं आपकी सीट पे आती हूँ, आप मुझसे सवाल पूछो। तो भारती जी आज हमारे शो में आप आई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको हमारे शो में आकर कैसा लगा,
जैसे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनको बहुत अच्छा लगा, कृष्णा भी आया था। अब ये बताइए कि जैसे आप स्टेज पे जाती हैं, कॉमेडी करती हैं, जब लोग हंसते हैं तो आपको तब कैसा लगता है? अच्छा तो लगता होगा, क्योंकि कलाकार को मैं समझ सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब रिस्पॉन्स मिलता है। वाह क्या बात है। अच्छा भारती जी ये बताइए कि जैसे आप मोटी हैं, अक्सर लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं मोटी हो जाऊंगी तो कुछ बन नहीं सकती, लेकिन आप मोटी हैं और इतनी बड़ी स्टार हैं, ये आपने मतलब कैसे किया और क्यों किया और आपको कैसा लग रहा है? जैसे आपको अंदर से महसूस ये हो रहा होगा कि मैंने लड़कियों को एक कॉन्फिडेंस दिया है कि मोटी या पतली का कुछ लेना देना नहीं, टैलेंट सब कुछ। क्या बात है भारती, वेरी इंटेलिजेंट जवाब। अच्छा भारती अभी ये बताइए कि जैसे आप इतने शो करती हैं, आपको 10-10 लाख पेमेंट भी मिलती है, घर भी आपने बहुत बना लिए, तो अब पुरानी जो गरीबी के दिन याद आते हैं, जैसे अमृतसर में आप छोटी छोटी दुकानों में पकोड़े खाने, पैसे नहीं होते थे, कॉलेज में आपके पास पैसे नहीं होते थे, वो कॉलेज वाले फीस माफ़ करते थे आपको, तो वो दिन याद आते हैं आपको? आते तो होंगे, क्योंकि मुझे भी अपने दिन बड़े याद आते हैं भारती। हाँ वो वक्त कभी भूलना नहीं चाहिए, कहते याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। भारती जी को अब पता चला सवाल करने बड़े आसान है, जवाब देने कितने मुश्किल है। बोलती बंद हो गई, आओ सुदेश जी आ जाओ इनके साथ ऐसे जी। थैंक गॉड ये आपका चैट शो नहीं है, मतलब आप तो सामने वाले को बोलने नहीं देते सुदेश जी। सुदेश जी सच्ची बोलूं, बाय कहने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, ये रूल है कि फ्री में इतना ही करवा सकते हैं। थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे गुरु जी कहती है, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं है, ये टैलेंटेड है। मैंने थोड़ा बहुत एक दूसरे को हम सिखाते हैं, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है भारती से और सब लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से। बस भारती ऐसे तरक्की करते रहे और हमें शो पे बुलाते रहे और कभी कभी पेमेंट भी दे दे बस। क्या बात है, थैंक यू सो मच सुदेश जी। आप नाचते हुए आए थे और मेरे शो का रूल है भाई, भारती का शो है, इसमें खुशी खुशी वापिस जाना पड़ता है नाच के। लगाओ म्यूजिक। वादा करती हूँ अगली बार ऐसे ही अतरंगी सेलिब्रिटी के साथ आपको फिर से मिलूंगी। कहा भारती का शो आना ही पड़ेगा।